कई चीजों के लिए ना रीजनिंग नहीं ढूंढते, कई चीजों की सिर्फ सेलिब्रेशन ढूंढते हैं, और ये एक ऐसी सेलिब्रेशन रहेगी बैंगलोर के लिए क्योंकि ये बहुत साल लगे। बहुत साल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लड़कियों का टूर्नामेंट जो है वो तो अपने दूसरे साल के अंदर ही है, लेकिन जो मेंस का टूर्नामेंट है ना उसको 16 साल होने वाले हैं और अभी तक वो टूर्नामेंट नहीं जीते हैं, लेकिन लड़कियों ने ये पहली बार जीत हासिल करी है। तो कहीं ना कहीं ये जो काले और लाल कपड़े हैं ना, जो बोल्ड गोल्ड लेटर्स में नाम लिखे रहते हैं, इस यूनिफॉर्म ने पहली बार एक टाइटल जीता है और वो बड़ा टाइटल है। तो इसकी रीजनिंग नहीं ढूंढते कौन जीता कैसे जीता, सिर्फ सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये पहली बार बैंगलोर का टाइटल है। वैसे ज्यादा तारीफ खुद की नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम नहीं खेले थे, लेकिन साल शुरू या सीजन शुरू होने से पहले ना हल्की सी प्रिडिक्शन करी थी कि ये साल बैंगलोर के लिए कैसा हो सकता है। तो पहले 3 हफ्ते पहले की जो प्रेडिक्शन है, पहले मैं आपको वहां लेके चलती हूँ। आरसीबी का नाम मैं डालना चाहूंगी यहाँ प्रेडिक्शंस में, जीते या कम से कम टॉप 2 तक आए, पर आई विल नॉट काउंट आरसीबी आउट इन सेकंड सीजन ऑफ द WPL। ये सिर्फ प्रेडिक्शन थी, एक्चुअल खेल तो खिलाड़ी देख खेलते हैं, लेकिन समहाउ इस टीम को देखकर, इस लाइनअप को देखकर ये वाकई लगा था मुझे कि इस साल इस टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। और आप पिछले भी वीडियो उठा के देखेंगे ना तो आपको यही लगेगा। और इसका कारण ये है कि पहला सीजन बहुत जल्दी निकल गया, पता नहीं चला कैसे होगा क्या होगा, लेकिन इस सीजन जो ये टीम का रूप रेखा थी ना, नडीन डिक्लर्क आई, केट क्रॉस आई, और जो एक्सपीरियंस पिछले वर्ष से इस वर्ष के अंदर आया वो सिर्फ कॉन्फिडेंस दे रहा था कम से कम मुझे कि इस टीम को आप हल्का मत लीजिए। और जब तक फाइनल का मुकाबला आएगा, एक तरफ दिल्ली एक तरफ बैंगलोर, और दिल्ली ऐसी टीम जो 6 मुकाबले जीती हुई आई थी, टेबल टॉपर, सीधा इनटू द फाइनल जैसे पिछला सीजन रहा था, एक वो टीम और एक बैंगलोर की टीम जो हर पड़ाव पे लड़ती झगड़ती जीतती हुई आई है। तो दोनों की आप चुनौतियां देखेंगे ना तो कहेंगे कि बैंगलोर की चुनौतियां ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए आसान था, लेकिन बैंगलोर की चुनौतियां ज़्यादा थी। लेकिन फाइनल का मुकाबला एक अलग ढंग से खेला जाता है, और वो एक बार फिर बता दिया। वह एलिमिनेटर का मुकाबला था, वहाँ हमने देखा था कि मुंबई बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई थी जैसी वो हरमन की विकेट गिरी, लेकिन फाइनल के मुकाबले में दोबारा ऐसा देखने को मिलेगा। दबाव जो गेंदबाजों ने बनाया, शुरुआत जो हुई थी मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा के साथ 64 रनों की साझेदारी, और लगा कि ये आज कम से कम 160-165 तक का टारगेट जा सकता है और जाना चाहिए क्योंकि इसी तरीके का बैटिंग लाइनअप है दिल्ली का और वो बोस्ट करता है उस स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को। 64 बिना नुकसान, और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, समझ नहीं आया कि जेमिमा रॉड्रिक्स ने क्या किया, समझ नहीं आया एलिस कैप्सी ने क्या किया, ये समझना मुश्किल है कि मारेजान काप को क्या हुआ और फिर जेस जॉनसन को क्या हुआ। तो समझते समझते इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई कि दिल्ली ने तो 20 ओवर ही नहीं खेले, 113 रन, मतलब आप कैसे भी सोचेंगे तो 113 रन दूसरी टीम के ऊपर दबाव डालने के लिए पूरे पड़ेंगे ही नहीं। कितना दबाव डालेंगे, अगर शुरू के 2 विकेटें भी निकल जाती तो भी थोड़ा दबाव पड़ता, लेकिन मैच जीतने का दबाव सवाल था। अब जहां एलिस पेरी होंगी, जहां स्मृति मांदना होंगी, वो इतना तो दमखम रखती हैं कि अपनी टीम के सामने वो बोले कि ना आज हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, आज का जो दिन है हमारा है और वो रहेगा। एंड में भले ही स्मृति नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो जो मुश्किल समय था ना वो अपनी बैटिंग करते हुए निकाल दिया था चेज के दौरान, और बस वही चाहिए था। जब आप शुरू में चेज करते हुए विकेट नहीं खोते और एक अच्छा पेडेस्टल पा देते हैं, तो फिर वहाँ से बैंगलोर के लिए मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं थी। तारीफ गेंदबाजी की जितनी भी करें कम, मैं समझती हूँ दोनों टीमों की गेंदबाजी बहुत बढ़िया रही, लेकिन खास तौर पर श्रियंका पाटिल की गेंदबाजी, उनकी तरफ देखिए क्या सुपर एनालिसिस थे। सामने से रेणुका सिंह ठाकुर का छोटा सा रोल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब सोफी मोलिनो अपने सेकंड स्पेल में आई थी ना तो वो सिर्फ विकटों पे डाल रही थी, बाकी तो बैटर्स मिस कर रहे थे उसको। खैर उनके लिए एक बड़ा दिन, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, वापस ऑस्ट्रेलिया लाइनअप के अंदर आई हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, ये विमेंस क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आपको मैं स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ के बारे में बता देती हूँ। स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट के अलावा बाकी सारे स्पोर्ट्स की जानकारी भी आप पा सकते हैं। तो इंतजार मत करिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करिए और स्पोर्ट्स X9 न्यूज़ का मजा उठाइए। 30,000 दर्शक ग्राउंड के अंदर विमेंस क्रिकेट का मुकाबला देखने के लिए आए थे, इससे बड़ी जीत, इससे बड़ा अनाउंसमेंट क्या हो सकता है कि विमेंस क्रिकेट इज ऑन द राइज और बहुत अच्छी तरीके से बैकिंग तो है ही ऑफकोर्स हमारे BCCI क्रिकेट बोर्ड की, लेकिन जो दर्शकों की, जो फैंस की फॉलोइंग है ना,
बेंगलुरु से चले दिल्ली में रुके, कमाल का मुकाबला, कमाल की फैन फॉलोइंग और कमाल का क्राउड देख के भाई जितनी भी तारीफ करें ना क्राउड के लिए फैंस की कम है, क्योंकि ये खेल एंटरटेनमेंट का है और अगर दर्शक नहीं आएंगे तो एंटरटेनमेंट फीका रह जाएगा। खैर एंटरटेनमेंट तो भरपूर रहा इस टूर्नामेंट में, पहले सीजन से लेकर दूसरे सीजन तक आते आते दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, हर खिलाड़ी ने बहुत बेहतर किया और वो कितना बेहतर किया हम उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम सिर्फ बैंगलोर की तारीफ करेंगे क्योंकि एक अलग सा दिन रहा है और क्या फैन फॉलोइंग है, मैं समझती हूँ क्या डिलीवरी है। एलिस पेरी को तो मुझे लगता है टिकट ही मिल जाएगा बैंगलोर का कि आप जब आइए आप वीज़ा लीजिए, बैंगलोर आइए, इंडिया आइए, मेग लैनिंग और एलिस पेरी इनको बिल्कुल फ्री पैसेज मिल जाएगा। और जो आज फैन फॉलोइंग देखी मैंने एलिस पेरी की ग्राउंड के अंदर वो एक अलग लेवल की थी। स्मृति मंदना तो स्टार है ही, साथ साथ ऋचा घोष, एलिस पेरी, नाम गिनते जाइए, श्रियंका पाटिल, ये सब दिखेंगे क्योंकि हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं और ये टीम जो आज पहली बार खिताब जीती है अब आगे ही चलती रहेगी, आगे से आगे चलती रहेगी। खैर ये टूर्नामेंट में मज़ा बहुत आया, लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद हम ज़रूर ये बताएंगे कि हर टीम के कैसे कैसे पूरे सीजन गया, तो उनके छोटे छोटे रिव्यूज़ भी करेंगे। और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी भारतीय टीम में ऐसे कौन से रहे जो भारतीय खिलाड़ी थे इस टूर्नामेंट में शाइन किए, उनके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। लेकिन आज का दौर और आज की तारीफ सिर्फ बैंगलोर के लिए, तो बैंगलोर के लिए तालियां एंड बहुत बहुत मुबारक कि आप पहली बार टाइटल जीते हैं। तो अब शुरुआत हो गई है, चलने दीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।